पृथ्वी शॉ भारत की नई युवा सनसनी है और उन्होंने हाल ही में टेस्ट मैच में जो खेल दिखाया वो तो बस कमाल था। अब विजय हजारे ट्रॉफी में पृथ्वी शॉ ने अपनी घरेलू टीम मुंबई के लिए धुआंधार पारी के लिए। सेमीफाइनल में पृथ्वी के प्रताप से मुंबई ने हैदराबाद को तो हरा ही दिया, मगर इस मैच का सबसे शानदार पल आया जब पृथ्वी शॉ ने मोहम्मद सिराज को लगातार 3 बॉल पर बाउंड्री के पार पहुंचा दिया और भड़के सिराज पृथ्वी को काफी कुछ कहने लगे, लेकिन पृथ्वी ने जवाब कैसे दिया वो हम आपको दिखाते हैं। असल में मुंबई की पारी का 9वां ओवर चल रहा था, पहली 3 बॉल डॉट हो चुकी थी। ओवर की चौथी बॉल सिराज ने पृथ्वी के लिए बाउंसर फेंकी, लेकिन मिडिल और ऑफ की इस बाउंसर को पृथ्वी ने जबरदस्त तरीके से पिक किया और बिल्कुल सहवाग वाला अपरकट लगाते हुए बॉल को 6 रन के लिए भेज दिया। इसकी अगली बॉल पर एक बार फिर सिराज ने बॉडी लाइन को अटैक करते हुए पटकी भी बॉल फेंकी। इस बार पृथ्वी ने लेग साइड में पुल कर दिया और बॉल को स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर 6 रन के लिए भेज दिया। लगातार 2 बॉल में 2 छक्के खाकर मोहम्मद सिराज बुरी तरह भड़क गए और पृथ्वी की तरफ देखकर कुछ बड़बड़ाने लगे। हालांकि पृथ्वी ने इसका मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगली बॉल पर बल्ले से जवाब जरूर दिया और जबरदस्त दिया। अगली बॉल पर एक बार फिर पुल करते हुए पृथ्वी शॉ ने बॉल को मिड विकेट बाउंड्री से बाहर 4 रन के लिए भेज दिया। पृथ्वी शॉ ने 3 बॉल में 16 रन ठोक दिए और अपनी जबरदस्त फॉर्म तो जारी रखी, साथ ही साथ मोहम्मद सिराज के अंदाज का भी जबरदस्त जवाब दे दिया। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।